This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली में आईजा एयरपोर्ट पर हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू हालात का जायजा लेने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। उन्होंने टर्मिनल 1 की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भारी बारिश के कारण यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो पर एंट्री एग्जिट बंद है और दिल्ली एरोसिटी मेट्रो स्टेशन से टर्मिनल 1 आईजीआर एयरपोर्ट तक शटल सेवा स्थगित कर दी गई है। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया है। कल यानी शनिवार से बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान घमासान की आशंका है। विपक्ष नीट के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। दिल्ली में तेज बारिश के कारण कई जगह सड़कों पर जलभराव देखने को मिला है। आरटीओ पर लंबा जाम लगा है। मिंटो रोड पर एक ट्रक फंस गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में अमरनाथ यात्रा आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टी20 विश्व कप में भारत के फाइनल में पहुंचने पर भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने जश्न मनाया। भारत फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में इंग्लैंड 103 ऑल आउट को 68 रनों से हराया। फाइनल में भारत का सामना 29 जून को बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका से होगा। नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान एनटी कार्यालय में घुसने के लिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 186, 353, 452, 342, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि वह रोज रात को श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर सोते हैं। इस पर कोर्ट ने उन्हें गीता उपलब्ध कराए जाने का आदेश दिया। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर विधान परिषद चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि वो भी उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। कल अजीत पवार गुट के एनसीपी विधायकों ने जयंत पाटिल से मुलाकात की। ऐसे में अटकलों का बासा कम है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी को सीएम का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी यानी एसपी के नेता अबू आजमी ने आगामी विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस से माइनॉरिटी वाला उम्मीदवार देने की मांग की है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि ऐसी मुलाकातें होती रहती है। एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख सुनील तटकरे ने नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रवक्ताओं को मीडिया में टिप्पणी करने से पहले नेतृत्व के साथ चर्चा करनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को शुरू हुए राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का विदाई सत्र करार दिया। घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत जबरदस्त तेजी के साथ हुई है और स्टॉक मार्केट में बढ़त का माहौल है। शेयर बाजार में निवेशकों को शानदार कमाई का मौका मिल रहा है। प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी ने पहले दिन शानदार कमाई की है, लेकिन इस फिल्म के कलेक्शन में दूसरे दिन काफी गिरावट देखने को मिली। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।